breaking update coming in from West Bengal, where we are getting to know that the MHA has allotted Z security category for Subhendu Adhikari, the leader from the TMC who had just quit the party ranks. According to sources, that is what we are getting to know, where in consultation with the central government, it has been decided to give him Z category CRPF security to cover with a bulletproof vehicle in West Bengal. So owing to political violence that has also been seen in the state of West Bengal, this major step that has been taken up. Himanshu is joining in with another update on this. So Subhendu Adhikari ko Z category ki security mili gayi hai aur ye faisla sarkar ki taraf se liya gaya hai, Himanshu. बिल्कुल अनिता, देखिए केंद्र सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि सुरेंद्र अधिकारी को जेड सुरक्षा दी जाए और एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी दी जाए, क्योंकि जब से उन्होंने टीएमसी छोड़ा है और जब से वो ममता बनर्जी से हटे हैं, तब से लगातार उन पर कई बार अटैक हो चुके हैं और उन्होंने ये बात खुद अपने भाषण में भी कही थी जब वो लोगों को संबोधित कर रहे थे कि लगातार ममता बनर्जी की तरफ से, सरकार की तरफ से मुझ पर अटैक कराया जा रहा है। और अब सीधी सीधी बात यह है कि अमित शाह वहां जा रहे हैं, वहां पर अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात भी होने लग सकता है। तो उसके पहले बीजेपी में शामिल होने के पहले केंद्र सरकार की तरफ से उनको जो है जेड सुरक्षा प्रदान की गई है बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल के बाहर जो है वाई प्लस की सुरक्षा जो है उनके पास रहेगी। तो ये केंद्र सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है, गृह मंत्रालय की तरफ से निर्णय लिया गया है, सुरक्षा एजेंसी से कंसल्ट करने के बाद में ये जो है जानकारी साझा की गई है मीडिया के साथ में। तो सीधी सीधी बात यह कि आप जो शुभेंदु है वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, अब भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के तौर पर पश्चिम बंगाल में स्थापित होंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने उन्होंने सुरक्षा दी है, इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि केंद्र सरकार जो है वो कितना ज्यादा अहम मानती है पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को वहां पर सत्ता स्थापित करने के लिए। तो आप देखना दिलचस्प होगा कि जब शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, उसके बाद में समीकरण किस तरीके से पश्चिम बंगाल के बदलते हैं और ममता बनर्जी क्या कुछ सोचती हैं इस पूरे मामले का। Only for that, an emergency meeting that has been called in by Mamata Banerjee, but a former minister there. Now it seems that his way has been paid clear for joining the BJP, but this is according to sources that the MHA has stepped up his security, providing him Z category security status. Thanks very much, Himanshu. We'll end it at that.